हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? अच्छे होंगे। और दोस्तों, हम भी अच्छे हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई रेसिपी, व्हाइट सॉस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट है। हमने डेली ले चुके हैं और ये कुछ लॉन्ग्स हैं, ये हमारा ऑनियन है और ये हमारा फ्लावर है, ये बटर है, ये ऑयल है। इसके लिए हमने ये मिल्क तैयार कर रखा है। तो हम बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस। तो ऑनियन को छील कर इसमें लौंग इस तरह से गाड़ देते हैं। इस तरह से हम इसमें लौंग डिप कर देते हैं। लौंग दोस्तों इस प्रकार से होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसमें लौंग लगा देते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस। तो स्टार्ट है। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं ताकि हमारा बटर जले ना। और दोस्तों हमारे बटर और फ्लोर की एक इक्वल क्वांटिटी होती है। जैसे हमने 200 ग्राम बटर डाला है तो 200 ग्राम हम इसमें फ्लोर डालेंगे। तो इस प्रकार से हम बना लें और इसमें ये हमने बटर ऐड कर दिया है। ये हमारा बटर और अब हम इसमें तेज पत्ता डालने वाले हैं। इस तरह से ये हमने तेज पत्ता इसमें ऐड कर दिया है। और दोस्तों अब हम इसमें ऑनियन भी डाल देंगे और अब हम इस थोड़ी देर तक इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। और अब हम इसमें डालने वाले हैं फ्लावर। इस तरह से हमने इसमें फ्लावर डाल दिया है तो हम इस फ्लावर को भी थोड़ी देर तक इसमें फ्राई कर लीजिए, भून लीजिए अच्छी तरह से। और दोस्तों अब हम इसमें डालने वाले हैं गरम दूध, जो हमने गरम कर रखा है। अब इसमें हम डालने वाले हैं और हमने इसमें ऐड कर दिया है मिल्क। और इस प्रकार से हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा ये फ्लोर नीचे न लगे। इस प्रकार से और दोस्तों हम इसको इस तरह से बना लेते हैं और इसको तब तक मिक्स करते रहते हैं जब तक ये एक गाढ़ा बिलियन नहीं बन जाता है। और ये एकदम गाढ़ा बिलियन बन चुका है। ये हमारी व्हाइट सॉस बन के तैयार हो चुकी है और अब हम इसको छानने वाले हैं। और दोस्तों ये बन गई हमारी व्हाइट सॉस। अब हम इसमें छानने वाले हैं इसको इस तरह से। और दोस्तों ये हमारी व्हाइट सॉस बनकर तैयार हो चुके हैं और अब हम इसमें डालने वाले हैं बटर। ये हमने इसमें बटर ऐड कर दिया है। और दोस्तों आप इसको और भी अच्छी टेस्टी बनाना चाहते हो तो इसमें आप नटमेग भी डाल सकते हो ग्रेट करके, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अभी हम इसमें नटमेग यूज नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी ये व्हाइट सॉस बनकर एकदम रेडी है। और तो बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता हम बना के दिखाने वाले हैं आपको। तो दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। के लिए हमने ये डाला थोड़ा सा ऑयल है। और ये हमने डाला थोड़ा सा डाले। दोस्तों अब हम इसमें डालने वाले हैं ये हमारी बनी हुई व्हाइट सॉस। और ये हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा क्रीम।
और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं सीजनिंग। और अब हमने इसमें डाला पास्ता। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये पास्ता बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसमें डालने वाले हैं पारमेसन चीज इस तरह से। तो इस तरह से ये पास्ता हमारे गेस्ट के लिए एकदम रेडी है। ये है पास्ता व्हाइट सॉस। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।